हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ ए कैरिंग वुमन। आई एम इन टू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 26 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे आर्केड क्राउन बोरीवली वेस्ट मुंबई। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, सबसे पहला आप देखेंगे एलिवेशन है बिल्डिंग का, आर्केड क्राउन बाय आर्केड डेवलपर। सो आर्केड डेवलपर इज अ ब्रांडेड डेवलपर और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये 1.4 एकर लैंड पार्सल पर बन रहा है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और 3 लेवल पोडियम पार्किंग दिया गया है। उसके ऊपर सारा एमिनिटीज एरिया होगा और उसके बाद 18 हैबिटेबल फ्लोर्स है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 3 विंग्स है। अगर आप लेफ्ट साइड से अगर आप देखेंगे तो ए विंग है, उसके बाद बी विंग है, उसके बाद सी विंग है। तो यहाँ पर हर एक विंग में, ए विंग में अगर आप देखेंगे तो हर एक फ्लोर के ऊपर 6 फ्लैट दिया गया है, बी विंग में हर एक फ्लोर पर 3 फ्लैट दिया गया है और सी विंग में हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK फ्लैट्स। तो दोस्तों, यहां पर 1.4 एकर लैंड पार्सल में डेवलपर ने बहुत ही अच्छी तरह इसको डिजाइन किया गया है। आप देखेंगे नीचे प्लेंटी ऑफ पार्किंग स्पेस दिया गया है और उसके बाद जो है वो हैबिटेबल फ्लोर शुरू होता है। तो काफ़ी वेल प्लान्ड, वेल डिज़ाइंड बिल्डिंग है इन 1.4 एकर और प्रोजेक्ट भी काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है, बोरीवली वेस्ट में है। और मैक्सिमम फ्लैट्स में यहाँ पर आप देखेंगे डेक दिया गया है, ए विंग में आप देखेंगे डेक दिया गया है और सी विंग में हायर फ्लोर पर डेक दिया गया है। और उसके अलावा फ्रेंच कट विंडो मिलता है ताकि आपको क्लियर व्यू, ब्राइट लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिले। तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है ये सारा बोरीवली वेस्ट है और यहाँ पर बोरीवली स्टेशन है। आप जैसे ही बोरीवली स्टेशन से वेस्ट साइड में आते हो, आपको SV रोड से देवीदास रोड की तरफ जाना है और राइट साइड में प्रोजेक्ट लोकेटेड है। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लाईओवर है जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट होता है। दिस इज बोरीवली फ्लाईओवर, जो कि ये फ्लाईओवर जैसे ही खत्म होता है यहाँ पर वेस्ट साइड में, तो इस सिग्नल से आप जैसे ही राइट लेते हो तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, आर्केड क्राउन। तो इसका सराउंडिंग एरियाज दोस्तों आप देखेंगे काफी वेल डेवलप्ड एरिया है। जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, सारा कुछ इस प्रोजेक्ट से आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही अवेलेबल है। यहाँ से, इस प्रोजेक्ट से आप देवीदास रोड से आप लिंक रोड की तरफ भी जा सकते हो। तो लिंक रोड से जो है वो मेट्रो पैरेलल चलती है, या तो आप फ्लाईओवर जंप करके आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी आ सकते हो। तो आप बाय रोड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से भी आप ट्रैवल कर सकते हो और मेट्रो भी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से पैरेलल चलती है। उसके अलावा बोरीवली वेस्ट जो है ये बहुत ही प्राइम मार्केट है। तो दहिसर, कांदिवली, बोरीवली ईस्ट वेस्ट में जितने भी लोग रहते हैं यहाँ पर अक्सर मार्केटिंग के लिए जाते हैं। तो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड मार्केट है यहाँ का, बोरीवली वेस्ट का। तो यहाँ पर आपको बोरीवली वेस्ट में SV रोड पर आपको स्ट्रीट मार्केटिंग से लेकर ब्रांडेड शोरूम तक हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों, बोरीवली स्टेशन के बाहर ही आप आओगे तो यहाँ पर इंद्रप्रस्थ मार्केट है, काफ़ी फेमस मार्केट है। उसके बाद गोयल शॉपिंग सेंटर है, पेंटोलूंस है, थोड़ा आगे आएंगे तो मैकडोनल्ड है। तो ऐसे बहुत सारे मॉल्स और ईटिंग जॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स इस लोकेशन पर है। और बोरीवली वेस्ट स्पेशली SV रोड इज़ फेमस फॉर मार्केटिंग। उसके अलावा दोस्तों, जो मेट्रो लाइन आप यहां से आप देख रहे हैं, ये दहिसर से फिर ये दोबारा कनेक्ट होती है मेट्रो लाइन, जो कि वेस्ट में कनेक्ट होती है और ये लिंक रोड से पैरेलल चलती है। तो मेट्रो यहां से आपको दोनों तरफ मिलता है, एक तो वेस्ट में लिंक रोड की तरफ और ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ। और कोस्टल रोड जो है वो समवेयर अराउंड यहाँ पर बोरीवली की तरफ कनेक्ट होगा, जो कि बोरीवली से अंधेरी, बांद्रा और कुलाबा तक कनेक्ट होगा। और ऑन द अदर साइड बोरीवली से विरार और पालघर तक भी आगे कनेक्ट हो सकता है। तो कोस्टल रोड का भी काम चल रहा है, जो कि अगेन इस प्रोजेक्ट को बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों हर एक फ्लैट के साथ में प्लेंटी ऑफ पार्किंग्स दिया गया है। तो एमिनिटीज में आपको यहाँ पर जिम्नेजियम, इंडोर गेम्स,
वॉकिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, एक्टिविटी एरिया एंड मल्टीपर्पज हॉल। उसके अलावा भी बहुत सारा एमिनिटीज दिया गया है, 18+ एमिनिटीज दिया गया है इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये जो फ्लाईओवर जो आप देख रहे हैं, ये बोरीवली फ्लाईओवर है जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और SV रोड को कनेक्ट करता है। उसके अलावा मेट्रो लाइन जो है वो दोनों तरफ कनेक्ट होता है, लिंक रोड पर भी और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी। तो यहाँ से इस प्रोजेक्ट से आप ईस्ट या वेस्ट इजिली आप फ्लाईओवर के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो। उसके अलावा प्रोजेक्ट के सामने ही जैन टेम्पल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जितने भी एमिनिटीज है वो पोडियम लेवल के ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पर जो ओपन एमिनिटीज है वो बिल्डिंग के बाहर की तरफ होगा और जो क्लोज एमिनिटीज है वो बिल्डिंग के नीचे की तरफ होगा, जो कि पोडियम लेवल के ऊपर ही है पर बिल्डिंग के नीचे है। तो आप देखेंगे काफ़ी वेल प्लान्ड है, वेल डिजाइंड कॉम्प्लेक्स है और सबसे बड़ी बात पार्किंग जो है वो हर एक फ्लैट को दिया गया है इस बिल्डिंग में। यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली आप देख सकते हैं जो पोडियम लेवल के ऊपर का जो प्लेट है, हाफ द पोर्शन जो है वो ओपन एमिनिटीज रहेगा और हाफ द पोर्शन जो है वो क्लोज एमिनिटीज है जो कि बिल्डिंग के नीचे होगा। तो यहाँ पर जो पूरा एमिनिटीज एरिया है, जो पूरा प्लेट देख रहे हैं आप एमिनिटीज का दिया गया है, तो यहाँ पर आपको सिटिंग प्लाजा, मल्टीपर्पज प्ले कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, रेफ्लेक्सोलॉजी पार्क, बर्ड्स हाउस, वॉकिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, किड्स इंडोर एक्टिविटी, टॉडलर एरिया, पार्टी लॉन, बैंक्वेट एरिया, आउटडोर जिम, फ्रेग्रेंट प्लांट्स, लॉन माउंट्स, योगा एंड जुम्बा रूम, जिम, असेंबली एरिया एंड परगोलास। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सा फिटनेस सेंटर दिया गया है। उसके अलावा आपको मल्टीपर्पज कोर्ट मिलता है, किड्स प्ले एरिया दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे और एक एलिवेशन है बिल्डिंग का, आर्केड क्राउन, जहाँ पर बढ़िया सा ड्राइव वे इन और ड्राइव वे आउट दिया गया है विद सिक्योरिटी कैबिन एंड दिस इज द इमेज ऑफ द लॉबी एंट्रेंस। तो यहाँ पर आपको डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस मिलता है विद सिटिंग अरेंजमेंट, रिसेप्शन काउंटर एंड प्लेंटी ऑफ LED लाइट्स। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो है वो इको फ्रेंडलीनेस है, जहाँ पर आपको सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिया गया है, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर होगा, बर्ड्स हाउसेस होगा और मियावकी लैंडस्केपिंग दिया गया है। उसके अलावा LED लाइट्स, प्लेंटी ऑफ LED लाइट्स दिया गया है इन कॉमन एरियाज। टेक्नोलॉजी में ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस फिटेड लिफ्ट्स होगा और ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये ईस्ट फेसिंग व्यू है, जो कि अगर आप हायर फ्लोर का फ्लैट लेते हो तो आपको बिल्कुल नेशनल पार्क का माउंटेन्स आपको दिखाई देता है। तो डिस्टेंस तक का व्यू बिल्कुल क्लियर मिलता है यहाँ से। सिमिलर टाइप ऑफ व्यू आपको वेस्ट साइड में भी नज़र आता है, जहाँ पर आपको सनसेट और डिस्टेंस तक आपको गोराई में जो पगोड़ा है वो नज़र आता है। पगोड़ा में नॉर्मली लोग मेडिटेशन के लिए जाते हैं, तो काफ़ी बड़ा डोम है, एक टाइम पे वहाँ पर 300 से 400 लोग अंदर डोम के अंदर बैठ सकते हैं मेडिटेशन के लिए। तो वहाँ तक का डिस्टेंस तक का व्यू आपको क्लियर व्यू मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ आप ग्लिम्सेस देखेंगे प्रोजेक्ट का, जिसमें आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया सा ड्राइव वे इन और आउट है। उसके अलावा आप देखेंगे दिस इज वन मोर इमेज ऑफ द एमिनिटीज विद डिसेंट प्लांटेशन और यहाँ पर आपको सिटिंग प्लाजा दिया गया है with plenty of LED lights and fountains and plantation. यहाँ पर आप देखेंगे kids play area दिया गया है। उसके बाद outdoor gym and walking track होगा, बड़ा सा party lawn दिया गया है, जहाँ पर आप time to time यहाँ पर get togethers और parties कर सकते हो। उसके अलावा indoor games area दिया गया है, जहाँ पर आपको football, table tennis, carrom, pool game और इसके अलावा भी बहुत सारा indoor games दिया गया है। योगा एंड मेडिटेशन एरिया दिया गया है, काफ़ी बड़ा सा फिटनेस सेंटर होगा, बैंक्वेट एरिया जहां पर आप बर्थडे पार्टी और तरह तरह के फंक्शंस यहां पर आप सेलिब्रेट कर सकते हो। दिस इज़ द साइड व्यू ऑफ द बिल्डिंग। तो पार्किंग स्पेस को भी आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह वर्टिकल प्लांटेशन से डिज़ाइन किया गया है एंड दिस इज़ मल्टीपर्पज प्ले कोर्ट, तो बच्चे यहाँ पर ज़्यादा इंजॉय करेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स के सराउंडिंग में प्लेंटी ऑफ प्लांटेशन और सिटआउट्स एरिया दिया गया है। फ्लैट्स का साइजेस दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी बड़े साइज के फ्लैट्स इसमें दिए गए हैं, कुछ फ्लैट्स में डेक दिया गया है। तो आप यहां पर आप देखेंगे आपको प्रॉपर डाइनिंग स्पेस के लिए प्रॉपर स्पेस मिलता है।
उसके बाद किचन में दोनों तरफ प्लेटफॉर्म दिया गया है विद यूटिलिटी स्पेस और लार्ज साइज फ्रिज रखने के लिए स्पेस दिया गया है। बेडरूम में भी काफी बड़ा सा बेड रखने के बावजूद आपको सफिशियंट स्पेस मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये ए विंग का फ्लोर प्लान है जिसमें मैक्सिमम 2 BHK के फ्लैट्स हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बी विंग का फ्लोर प्लान है जिसमें 2 BHK और 3.5 BHK है, और ये सी विंग का फ्लोर प्लान है जिसमें सारे 3 BHK के फ्लैट्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 BHK 690 से लेकर 740 कारपेट एरिया है जिसका प्राइस शुरू होता है 2.35 CR से, इट गोज अप टू 2.48 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और 3 BHK 1060 कारपेट एरिया है, इट गोज अप टू 1290 कारपेट एरिया जिसका प्राइस शुरू होता है 3.50 CR से, और इट गोज अप टू 4.25 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। उधर उससे बड़ा जो कारपेट एरिया है वो 2000 और 2400 भी कारपेट एरिया है जिसका प्राइस 7.95 से लेके 8 CR तक जाता है प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और फाइनली दोस्तों पोजिशन इस बिल्डिंग का होगा दिसंबर 2024 में। तो यहाँ पर दोस्तों पूरे मुंबई में अगर आप देखेंगे ये आर्केड डेवलपर का कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है और कुछ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है। तो आर्केड इज अ ब्रांडेड डेवलपर और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर मुंबई में चल रहे हैं। तो दोस्तों बुकिंग के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.